नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता, आप देख रहे हैं द सड़कनामा। आज हमारी टीम आ पहुंची है रानिया हल्के के गांव किराड़कोट में और यहां हम मतदाताओं से जानेंगे कि चुनाव को लेकर यहां क्या माहौल है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। विधायक कैसा होना चाहिए? बढ़िया। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो कौन सी पार्टी से कौन सा मजबूत नेता आपको लगता है इस गाँव का विकास करवा? रणजीत। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक जो भी होना चाहिए बहुत बढ़िया होना चाहिए जी। पार्टी की उम्मीद? चौधरी रणजीत सिंह जैसा। क्यों? क्योंकि वो सुनवाई करते हैं, हर कोई गए इज्जत करते हैं। तो यहाँ क्या क्या समस्या है जिस पर सरकार को प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए? कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो मिलवर्तन सार हो और आगे लोगों की समस्या जाने, भी लोगों की समस्या क्या है हमारे गाँव में। तो पिछले विधायक हमारे रामचंद्र जी थे, रामचंद्र कंबोज, पिछले एक मेरे को लगता है 5 सालों में उन्होंने 1-2 बार राउंड किया है, वैसे कोई सपोर्ट नहीं रहा जी उनका। किस पार्टी के किस नेता के अंदर आपको वो मजबूत चेहरा लगता है कि यहाँ का विकास करवा सके? यहाँ का मजबूत चेहरा चौधरी रणजीत सिंह है जी। बाकी अभी तक किसी MLA जो भी जिसने नाम नॉमिनेट किया है अभी तक कोई नहीं पहुँचा यहाँ पे, वोट मांगने के लिए नहीं पहुँचा। वोट मांगने के लिए अभी तक कोई नहीं आया अजय तक नहीं आया। और चौधरी रणजीत सिंह 2-3-4 चक्कर लगा चुके हैं, हारने के बाद भी आते हैं। आने वाली सरकार से की यूथ वोटर क्या अपेक्षा रख? आने वाली सरकार से यूथ वोटर यही अपेक्षा रखता है जी, अपने हरियाणा में जैसे सिरसा है सबसे बैकवर्ड है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है तो रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लोगों को रोजगार ना मिलने की वजह से सब बेरोजगारी ज़्यादा है, ओनली लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट कितने परसेंट जॉब दे देगी आदमी को? टोटल अगर सर्वा देखा जाए तो 1% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, और 1% में अगर सिरसा का जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सिरसा तो वैसे ही बैकवर्ड है इंडस्ट्री की वजह से। अगर यहीं अपने जैसे गुड़गांव मानेसर जितना इंडस्ट्री हो तो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है किसी को यहाँ पे। आपका नाम? बंसीलाल जी। विधायक कैसा होना चाहिए? रणजीत चौधरी रणजीत सिंह। ऐसा क्यों? ये बहुत बढ़िया इंसान है, ये 10 साल से हारते आ रहे हैं फिर भी गांव की हर समस्या सुनते हैं, फिर भी ये बहुत अच्छे हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो विधायक ने यहाँ कर लोगों की समस्या सुनी या नहीं सुनी? वो तो धन्यवाद करने भी नहीं आए जी, समस्या कहाँ से सुनेंगे। यहाँ क्या क्या समस्या है मुख्य रूप से? समस्या जी अब बच्चों को खेलने का ग्राउंड है वो भी साफ़ नहीं है, अब पानी नहीं है, नहर का पानी गांव में नहीं आ रहा है, जो पानी आ रहा है जो टूटियों का पानी है, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण वही बनता जा रहा है, तो नहर का पानी आना चाहिए जी, ये सबसे बड़ी समस्या तो पानी है जी। एक यूथ वोटर आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? यूथ अपेक्षा ये रखते हैं कि काम होना चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, और जो भी छोटे मोटे जो भी गांव के काम है वो पूरे होने चाहिए जी। नशे की बात है तो नशा जैसे पंजाब का एरिया नज़दीक लगने की वजह से यहाँ पे चिट्टे का जोर है पूरा, सभी गांवों में पूरा जोर है चिट्टे का, और प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रहा इस बात पे। अगर कोई वहाँ उनके पास शिकायत लेकर जाता है तो उल्टा उसी को तंग किया जाता है। आपका नाम? ओम प्रकाश जी। विधायक कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए जी। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, तो किस पार्टी से मजबूत नेता आपको कौन सा लगता है? हम तो वैसे नेलो के थे जी, लेकिन अब के बार रणजीत सिंह के साथ है। क्यों? दो दिए, कृष्ण को बनाया वो भाग गया, रामचंद्र को बनाया वो भाग गया, कल इनको कुछ बन जाएगा इनेलो का तो इनेलो की तरफ है, फिलहाल रणजीत को जिता के भेजेंगे। आने वाली सरकार से क्यों वोटर क्या चाहते हैं? 2.5 साल पहले ग्राउंड पास हुआ था रानिया में, खट्टर पास करके गया, आज तक तो बना नहीं जी, ईंट भी नहीं लगी, ये उसको पहुंचाया जी खट्टर साहब के पास। आपका नाम? विक्रम। विधायक कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए भाई, काम करे गांव में। किस पार्टी के अंदर कौन सा मजबूत नेता आपको लगता है कि इस गांव का विकास? अभी तक तो कोई देखा नहीं जी, जो भी हैं सारे बातें करते हैं और कोई काम नहीं किया अभी तक गाँव में। क्या क्या मुख्य समस्या है? एक तो जिनके घर हो गए वो पूरे नहीं बने हैं, और गाँव में मैदान खेलने के लिए और गलियाँ टूटी हुई, मतलब कि अब बढ़नी शुरू हुई हैं, पहले तो कुछ नहीं था। एक यूथ वोटर होने के नाते सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हो? ये सारे काम अच्छे से करवाए जाएं। इस पार्टी के अंदर कौन सा चेहरा मजबूत लगता है? इस टाइम तो चौधरी रणजीत सिंह मजबूत चेहरा है जी। ऐसा क्यों? ऐसा है, ये बढ़िया आदमी है जी और मिलनसार आदमी है। क्या क्या समस्या है मुख्य रूप से जिस पर सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? हमारे तो ये समस्या, एक तो जो वाटर वर्क्स का पानी आता है जी वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा जी, हमारे पहुंच रहा जी, तो ट्यूबवेल का जो गंदा पानी है वो हम ये गांव में सप्लाई हो रहा है जी, उसकी समस्या हम बार बार
पहुँचा रहे हैं एक्शन के पास, एक्शन साहब के पास, सभी के पास पहुँचा दी, किसी ने सुनवाई नहीं की जी। और हमारा तो यहाँ तक जी एसडीओ जेई जो है ना वो भी कहते हैं किराड़ कोर्ट इस गांव में नहीं आता, हमारे पास नहीं है। जिसको भी फ़ोन करते हैं वो कहते हैं इस गांव में हमारा है ही नहीं, वाटर वर्क्स भी नहीं है। बप्पा सड़क सारी टूटी पड़ी है जी। जो सड़क है वो ऐसा जड़ी बप्पा सड़क जानी है सारी टूट रही है। सड़क नहीं बनी पिछले साल, बनी तो है, खड्डे खड्डे पे रहे सारे। मैडम ऐसे जो पुरानी सड़कें थी उनको तो बनाया नहीं, जो नई सड़कें हैं उनके पर पाल्स फेर दी और नई बना दी, वो तो ये पहे खागे मड़वे गए। और जो टूटी सड़कें पड़ी है उसमें कुछ भी नहीं किया, ऐसे बताए गए पाँच साल में एक चक्कर भी नहीं लगाया। और चौधरी रणधीर सिंह है वो एक साल में तीन तीन चार चार दफ़ा गांवों को संभाल कर जाता है, ऐसे विधायक होने चाहिए। तो ये थे मेरे साथ गांव किराड़कोट के लोग जिन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर माहौल क्या है। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे पेज द सड़क नामा के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।